हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि टैली प्राइम में काम करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है और टैली प्राइम पर जो भी वर्क है वो आपको प्रैक्टिकल तौर पर ज्यादा करने हैं, यानी प्रैक्टिकल ही आपको वर्क करना है। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो टैली प्राइम में आप क्या करेंगे? टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो वहां तो प्रैक्टिकली वर्क करना है, तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज वहां पर काम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल में सिर्फ इतना है कि आप अकाउंट्स की बेसिक जानकारियों को और कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, किसमें कौन सी चीजें आएंगी, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो ये सब चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इंटरव्यूज वगैरह में बैठ सकते हो। शायद अगर आपको इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाए तो आप आसानी के साथ बता सकते हो। लेकिन बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको वर्क जहां करना है वहां पर तो आपको प्रैक्टिकल ही चाहिए होगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पर कल मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से एक एम्प्लॉई के लिए आप पेरोल बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि तीन चार एम्प्लॉयज की एक साथ सैलरी प्रोवाइड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट देखते हैं तो तीन चार एम्प्लॉयज की सैलरी एक साथ प्रोवाइड करनी है तो कैसे आप प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड कर देता हूं। देखिए टैली इतनी ज्यादा कन्वीनियंट है कि यहां पर आपको फ्री में एजुकेशनल मोड यूज करने को मिल जाता है। एजुकेशनल मोड का कोई चार्ज नहीं होता है, सीखने के पर्पज से इसे बनाया गया है। तो इसमें बस एक ही दिक्कत होगी आपको और वो दिक्कत तो हमेशा ही रहेगी कि आप इसमें डेट चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दो या तीन डेट्स पर ही आप काम कर सकते हैं, बाकी सीखने के लिए तो बेस्ट है ये। तो आपके पास अगर सिस्टम है तो आप इसे डाउनलोड करके और टैली सीखना शुरू कर सकते हैं मेरे वीडियो से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पेरोल के लिए। यहाँ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर देते हैं। कल की कंपनी आपको याद है, कल हमने एक कंपनी बनाई थी पेरोल के नाम से, जो कि नीचे यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल हम एक और कंपनी बनाते हैं, यहाँ से क्रिएट कंपनी पे चलते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से जाके क्लिक करेंगे और एक और कंपनी बना लेते हैं, ठीक है, अमित शॉप के नाम से। किस नाम से बनाएंगे? अमित शॉपिंग मॉल कर देते हैं MALL शॉपिंग मॉल। अब एंटर करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पर अब आपको एड्रेस डालना होता है, तो यहाँ पे जो आपका लोकल एड्रेस है वो आएगा, तो वो लोकल एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, हमारा यही है, आपका जो भी बनता हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको अपना स्टेट चूज करना होता है तो यहाँ से स्टेट चूज करिए और फिर यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए, तो जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिए, एंटर करके नीचे आइए, एंटर करिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब ये कर लेने के बाद सबसे पहला काम ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पेरोल को एक्टिवेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर पेरोल सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो ये विंडो ओपन होगी, लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, टैक्सेशन के ठीक नीचे ऑनलाइन एक्सेस है और फिर यहाँ पेरोल है। तो इस पेरोल में मेंटेन पेरोल पे जाना है और यहाँ पर वाई बटन प्रेस करके एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और फिर इनेबल पेरोल स्टेटरी है तो इसको भी आप यस कर देंगे, ठीक है। जब यस करेंगे तो ये तमाम डिटेल्स आपको भरनी होगी, जैसे मान लीजिए ये हमने भर दिया, एंटर किया, फिर यहाँ पर कंपनी ग्रुप कोड वगैरह है तो उसको भर दीजिएगा, जो भी आपके कंपनी का सिक्योरिटी कोड है वो भर दीजिएगा। तो ये तमाम डिटेल्स को भरते हुए आप नीचे आ जाइएगा, ठीक है, और नीचे आकर के पैन नंबर भी फिल कर देना है, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो पैन नंबर और तमाम ये डिटेल्स को फिल करते हुए हमें आगे बढ़ना है और ये ध्यान रखिएगा कि ये डिटेल्स आप जरूर फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी ये डिटेल जो है फिल कर देता हूँ, सारी डिटेल जो, तो यहाँ पर ये पैन नंबर हो गया और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया है, पेरोल हमारा चालू हो गया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो है कंपनी में फंड रिसीव कराएंगे कुछ, तो यहाँ से चलते हैं कहाँ पे, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपको F6 प्रेस करना है, F6 प्रेस करके आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल एंट्री मोड है। अगर इसे डबल एंट्री बनाना है तो यहाँ चेंज मोड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ डबल एंट्री पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, तो यहाँ कैपिटल डाल दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट कर दीजिएगा, क्या करिएगा, कैपिटल अकाउंट, तो A/C कर देते हैं अकाउंट, ठीक है, और एंटर करके इसका ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो तब यहाँ कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और आप अपने कंपनी में जो भी फंड लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर वापिस से कैपिटल लगा करके आगे बढ़ जाइएगा।
अमाउंट यहाँ कुछ नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अमाउंट कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये पैसे कैश में रिसीव कराए जा रहे हैं या कैसे रिसीव कराए जा रहे हैं, तो अगर कैश में रिसीव कराए जा रहे हैं तो कैश करिएगा, अदरवाइज बैंक का डिटेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिलहाल कैश कर देता हूँ और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब दुकान पे काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, तो सैलरी देनी है तो कैसे कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे वी बटन प्रेस करके कहाँ आएंगे, बाउचर में आएंगे। अभी हम हैं रिसिप्ट बाउचर में, तो हमें कहाँ चलना है, अदर बाउचर। तो अदर बाउचर के लिए आप F10 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आ गए अदर बाउचर में। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे बाउचर्स दिखेंगे, अगर कोई बाउचर नहीं दिख रहा है तो सो इनएक्टिव पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो भी दिखने लगेगा। फिलहाल हमें जाना है कहाँ पे, पेरोल बाउचर्स में, और पहले आना है अटेंडेंस में। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आ जाइएगा अटेंडेंस में, और यहाँ आपको एम्प्लॉय क्रिएशन करना है, ठीक है। तो पहला एम्प्लॉय यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएशन करते हैं। मान लीजिए पहला एम्प्लॉय है यहाँ पे राजू, ठीक है। तो ये राजू लिख दिया हमने, एंटर किया। और इनका ग्रुप क्या होगा, अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया है तो अल्ट सी करके आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अल्ट सी करेंगे तो ये कौन से ग्रुप के एम्प्लॉय है वो आप दे सकते हैं, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम ग्रुप नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी ही रख रहे हैं। और यहाँ पर सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना बड़ा जरूरी, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा और सैलरी की डिटेल के लिए तमाम जो पेहेड्स हैं वो बना लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि सर यहाँ से बनाना सिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली हम बना रहे हैं, ये सीधा अटेंडेंस में आकर के फिर हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन जो है ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय क्रिएशन और पेहेड्स यूनिट्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय क्रिएशन करना है तो यहाँ से कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हम वहां से कर रहे थे वही काम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो राजू कर दिया, ये प्राइमरी रख दिया, सैलरी की डिटेल को यहाँ से डिफाइन कर दिया। जैसे पहली जो डिटेल होगी सैलरी की, पेहेड्स जो बनेगी उसमें पहला आएगा बेसिक पे, यानी बेसिक सैलरी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सैलरी, और ये बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है और ये फिक्स भी रहेगा। फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, और एंटर करते हुए यहां तक आएंगे और इसे हम क्या रखेंगे, ऑन अटेंडेंस रखेंगे। यानी कुल मिलाकर ये जानिए कि अगर एबसेंट हुए तो पैसा कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे एक बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए अल्ट सी करके बनाएंगे तो यहाँ पर लीव कर देते हैं, लीव, ठीक है। कुछ और भी लगा सकते हैं आप, मैं अक्सर यही कर देता हूं। और यहां पर आकर के आगे बढ़ेंगे और फिर यहां पर आएंगे तो सैलरी इनको प्रोवाइड होगी मंथली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली बेस पे मिलेगी। तो ये हो गया कैलेंडर पीरियड, और यहां से आप नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं। अब इनकी सैलरी कितनी है, तो इनकी सैलरी मान लीजिए है 15,000 रुपए, तो ये 15,000 डाल दिया। फिर दूसरा इनका पेहेड बनेगा, तो यहां से जाके पेहेड बना सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा पेहेड क्या है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं दूसरा पेहेड इनका टीए, ठीक है। टीए मिलेगा और बेसिक सैलरी मिलेगी, और ओवर टाइम का बना के इसमें देखेंगे हम एक और चीज, ओवर टाइम, ठीक है। तो यहां पर आएंगे तो ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होगा, फिक्स रहेगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन टाइप, तो ये कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे हम, कंप्यूटेड वैल्यू के थ्रू, यानी हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रख लीजिएगा। और बेसिक पे का यहाँ पर अमाउंट जो है अगर 10,000 तक है, ठीक है, या 15,000 कर देते हैं, अमाउंट इस बार चेंज कर देते हैं, 15,000 कर देते हैं। तो ये 15,000 तक है बेसिक पे, तो यहाँ पर वैल्यू में आते हैं, वैल्यू में तो 1,000 का क्या मिलेगा, टीए मिलेगा, और 15,000 से ज्यादा और 25,000 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये परसेंटेज आ गया, तो इसे वैल्यू बना लेते हैं, आप परसेंटेज भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में 1,200 रुपए मिलेंगे, ठीक है, और 25,000 से चाहे जितना ज्यादा हो, कितना मिलेगा, 2,500 रुपए मिलेगा। तो ये हमने दे दिया इस तरीके से, एंटर किया तो इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए टीए भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, ठीक है। इसी तरीके से डीए भी बना सकते हैं आप, ठीक है, एचआरए भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर दो की जरूरत है तो दो ही ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अदर एम्प्लॉय क्रिएशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्लियरली एकदम आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये तो एक एम्प्लॉय की बात रही, राजू की एम्प्लॉय क्रिएशन किया, दो पेहेड्स हमने बनाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये सैलरी की डिटेल डिफाइन करनी होगी आपको, जैसे ये बेसिक पे वगैरह देना होगा यहाँ पे। तो ये मान लीजिए ये राजू की बात है, तो ये बेसिक पे हो गया, टीए हो गया, ठीक है। मान लीजिए इतना ही देना है और कुछ नहीं देना है, तो इनका एम्प्लॉय नंबर यहाँ सेट कीजिए,
डेजिग्नेशन वगैरह डाल दीजिए, एंटर करते हुए आइए नीचे, एंटर करिए और इनका पैन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और जो भी पीएफ अकाउंट नंबर वगैरह है वो दे सकते हैं। फिलहाल तो ये छोटे से दुकान पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा इनकी सैलरी होगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक और एम्प्लॉई है जिनका नाम है अमित, तो यहाँ पे अमित दे देते हैं, AMIT अमित, एंटर करेंगे और यहाँ पर आकर के इसको यस करेंगे और यस करने के बाद इनकी बेसिक सैलरी क्या होगी वो यहाँ पे देना है। ठीक है, तो इनकी बेसिक सैलरी है 12,000 रुपए, तो ये 12,000 दे दिया हमने और इनको TA भी मिलता है तो TA भी दे दिया उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर और तमाम डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ते हुए इसको भी एक्सेप्ट आपको करा लेना है, सारी डिटेल आपको भर लेनी है। ठीक है, मैंने तो स्किप किया लेकिन आपको भरना है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे तो अगला है सुमित। ठीक है, और सुमित की यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पर यस रखेंगे, इसको वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर वही की बेसिक पे कितनी है इनकी, तो यहाँ पे इनकी जो बेसिक पे है वो है 17,000 रुपए, तो यहाँ पे 17,000 रुपए डाल देंगे तो ये हो गया 17,000 रुपए, एंटर करेंगे और यहाँ पे TA। बाकी कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, बाकी कुछ कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से दे सकते हैं, तो इनको सिर्फ यही चीजें मिलेंगी, सैलरी कम है जिसकी वजह से यही सब चीजें मिलेंगी, तो यहाँ पर जो है आकर के एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तीन तीन एम्प्लॉय क्रिएशन किया हमने। ठीक है, पेरोल में चलेंगे तो यहाँ से पेरोल में कंट्रोल F4 करके भी आप जा सकते हैं और इनको हम पूरी सैलरी प्रोवाइड करेंगे कैश में। ठीक है, पहले अमित की बात करेंगे और यहाँ से ऑटोफिल करेंगे, हम क्या करेंगे ऑटोफिल, तो पेरोल ऑटोफिल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से सैलरी कर देंगे और देखिए 30 तारीख वाला डेट तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ 1 मई कर लेते हैं, 1/5/2024 कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे ऑल आइटम आ रहा है तो फिलहाल हमें किसका देना है, आइटम्स यहाँ पे देंगे, ऑल आइटम्स करेंगे तो सबकी सैलरी यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो जैसे ही किया हमने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 13,000 इनकी सैलरी बनी है अमित की, 16,000 किन की बनी है, ये बनी है राजू की, और यहाँ पर देख सकते हैं सुमित की कितनी बनी है, 18,200 रुपए सैलरी बनी हुई है। ठीक है, TA भी मिला हुआ है जिसके चलते ये इस तरीके से आया हुआ है। अब एक ही साथ देखिए, एक ही साथ तीनों लोगों को सैलरी प्रोवाइड हो रही है, देख सकते हैं ना, आपको 10 20 50 जितने लोगों को सैलरी देनी हो टैली में एक ही साथ इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है बहुत ही इजीली। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब इसका पे स्लिप भी आप देख सकते हैं, बाहर आएंगे यहां से एक बार डी प्रेस करेंगे और डी प्रेस करके कहां आएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स पे आएंगे तो पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ऑल आइटम्स अगर हम कर देते हैं तो यहाँ तीनों लोगों की सैलरी को आप देख सकते हैं, अगर किसी एक का निकालना होगा तो यहाँ पे जाकर के आपको एंटर करना है और अल्ट पी करके देख लेना है पूरा डिटेल कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आया हुआ है।